ये है वन प्लस 11R, इसको मैं पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी ये सेल में फ़्लिपकार्ट पर 35 हज़ार के अराउंड मिल रहा है फ़ोन, फ़्लिपकार्ट और अमेज़न पर। आपको ये फ़ोन 35 हज़ार में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और इस फ़ोन को मैं 6 महीने, 6 से 7 महीने हो गए इस्तेमाल करते हुए, तो मैं सारे कौन से बता पाऊँगा अच्छे से, जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो भी बता पाऊँगा, सारी चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर में, और ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो को मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी बैकअप की। इसमें बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, आपको बैटरी अगर अच्छी चाहिए तो इस फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इस फ़ोन को लॉन्च हुए 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और अगला जो वन प्लस का मॉडल है जिसकी हम बात करते हैं, वन प्लस 12R, वो 4 से 5 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप इस समय फ़ोन 11R लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये वर्थ ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगला फ़ोन 4 से 5 महीने के अंदर आ जाएगा, इसको 12R जो मॉडल होगा, और जहाँ तक है सेम ही प्राइस में आ जाएगा। और जितने कौन से वन प्लस 11R के अंदर हैं, हो सकता है वो अपडेट होके आए। जैसे कि मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता है, इसमें आपको ड्रैगन टेल करके ग्लास है वो आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें अच्छी आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, उसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है इसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बड़ी दी है, बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी है इसकी डिस्प्ले, तो ये एक रीज़न हो सकता है जिससे इसकी जो बैटरी है वो कम चलती है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो माइक्रो कैमरा है, इन दोनों की क्वालिटी कोई खास नहीं है, ये बिलो एवरेज कैमरा है दोनों ही। तो हम ये एक उम्मीद लगाते हैं कि अगला जो फ़ोन आएगा वन प्लस 12R, उसके अंदर मोनो कैमरा और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा, सॉरी माइक्रो कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों इम्प्रूव किए जाएंगे। इसके अलावा बैटरी बैकअप भी इम्प्रूव किया जाएगा, इसमें गोरिल्ला ग्लास मिलेगा, ये हम मान के चलते हैं जो 12R आएगा उसमें इम्प्रूव होकर आएंगी चीज़ें। इसके अलावा मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा एक इतना मैं कह सकता हूँ कि जैसे 15-20 हज़ार के फ़ोन में मिलता है आपको कैमरा, सेम वैसा ही कैमरा इसके अंदर में मिलता है। फ्रंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि बैक का जो मेन कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, बट फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी आपको इस फ़ोन को लेने से बचना चाहिए, इसमें कॉन्स भी कई सारे हैं, 4-5 तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर में आपको किसी भी तरह की IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती है, और अगर वन प्लस 12R आता है तो हो सकता है उसके अंदर IP रेटिंग दी जाए। तो अभी आपको रुकना चाहिए, इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। IP रेटिंग के अलावा वो है इसकी फिंगरप्रिंट की लोकेशन। इसका फिंगरप्रिंट अगर आप इस तरह से फ़ोन को होल्ड करते हैं एक हाथ से, तो आप इजीली थंब आपको बहुत ज़्यादा हार्डली नीचे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके अनलॉक होता है। अगर मैं वन प्लस 11 की बात करूँ तो उसका जो फिंगरप्रिंट का लोकेशन है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है, हालांकि ये थोड़ा अजीब सा, मतलब अजीब सी जगह दी गई है फिंगरप्रिंट की, ये इतना नीचे नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता तो ज़्यादा बेटर होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी पूछना है इस फ़ोन से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अभी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको इस फ़ोन को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ 4-5 महीने के अंदर आपको नया फ़ोन मिल जाएगा, वो उसमें हो सकता है कुछ अपडेट होकर मिले, तो वो फ़ोन लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।